कैचअप। अरे भैया जल्दी करो नहीं तो आपका देर हो जाएगी। मैं ठंडा हूँ भाई। आपका ट्रैक सूट। मीको अपने भाई नियागो से बहुत प्यार करती है और वो उसे बहुत अच्छी तरह समझती है। वो चाहती है कि उसका भाई नकाबपोश नियंडर जैसा शक्तिशाली बने। भले ही ज्यादा न सही पर उसमें नियंडर की कुछ तो खूबियाँ आ ही जाए। भैया देखो इस पिदोरी ने क्या किया, जानते कितने समय के बाद ये फूल खिले थे। हवा से हुआ हो? नहीं पिदोरी ने ही किया है, जानते हो वो आंगन में घूमता रहता है और अपने गंदे पैर लेकर कमरे में भी आ जाता है, इससे मुझे बहुत परेशानी होती है। आप उसे डांटिए प्लीज। कुछ भी मत बोलो। आप बहुत ही बुरे हो, आपने मुझे मारा। नहीं। कोई मुझे बचा। कोई मदद के लिए पुकार रहा है लेकिन मीको तो। कोई मुझे बचा। यहाँ क्या हुआ है? मेरा चश्मा कहीं खो गया है। ये रहे। अगली बार भूल मत जाइए। पिदोरी को थोड़ा समझाना होगा। आया, मैंने तुम्हारी बहन को जंगल के पास जाते देखा, वो दुखी थी। वो उस तरफ गई है, वो जगह बहुत ही खतरनाक है, उसे कुछ भी हो सकता है। ये मैंने क्या किया? कौन आपके लिए कुछ लेने गई है? ओ फिर से नहीं, वो तो मेरे लिए एप्पल पाई लाने गई थी, फिर कहाँ गायब हो गई है। अंकल इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती। मुझे अंकल नहीं भैया कहो, मैं गुस्से में हूँ, मुझे भूख लगी है। गुस्सा करने से आपकी भूख तो नहीं मिटेगी ना। ये बताइए आपका किचन कहाँ है? आपका एप्पल पाई तैयार है, खाइए। ये तो बहुत टेस्टी है। इसे बनाना आसान है, आप अपना काम दूसरों से मत करवाइए, कभी कभी खुद भी कीजिए। तो कौन क्या करेगी? अगर आप कभी कभी कौन के लिए कुछ करेंगे तो उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? नकाबपोश नियंडर तो ऐसे ही सोचता है। मेरे सामने नकाबपोश नियंडर का नाम मत लो, निकल जाओ मेरे घर से। मुझे भी आप जैसे के साथ नहीं रहना। मीको अगर यहाँ वहाँ खो गई हो तो मदद के लिए पुकारो। ध्यान कामयाब हो रहा है, यही सही वक्त है, अब मैं मीको को लाती हूँ। जब वो देखेगी कि उसका भाई उसके लिए कितना परेशान है तो वो कितनी खुश हो जाएगी। अब तक तो मुझे शहर पहुँच जाना चाहिए था, लगता है मैं रास्ता भटक गई। पिदोरी शुक्रिया पिदोरी, पर मैं उसे अकेले ढूंढना चाहता हूँ। ओ हाँ, अगली बार घर आओ तो उससे पहले पैर धोकर आना। क्या वो चली गई? हाँ वो यहाँ बोर हो रही थी। पर मुझे तो रास्ते में नहीं मिली, लगता है वो रास्ता भटक गई है और जंगलों की तरफ चली गई है। अरे नहीं, अब क्या होगा, उसे शेर खा जाएगा, भालू खा जाएगा, हमें उसे ढूंढना होगा। जब तक भैया मुझे लेने नहीं आते मैं वहीं रहती हूँ। बा
कैसे निकलूं? बाहर का कोई रास्ता भी नहीं। चलो उस तरफ चलकर देखती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। भैया मुझे आगे बचाओ। ओ मीको, बहुत शुक्रिया। यही मौका है, मैं उसे बचा लूंगा और मशहूर हो जाऊंगा। तुम क्या खाती हो? कई महीनों से तो मैं डाइटिंग पर हूँ। आवाज वहाँ से आ रही है, ये एक बर्फीली गुफा है। ना जाने वो कहाँ होगी। हाँ वहाँ देखो। यहाँ क्या है? चलो देखते हैं। कौन धक्का लगाओ? डाइटिंग कीजिए। तुम लोग क्या कर रहे हो? नियॉन गुफा का मुआयना कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ, थोड़ा इंतजार करो। उसे मैं बचाऊंगा, तुम मेरे मामले में दखल मत दो। जब तक तुम उसकी मदद करोगे बहुत देर हो जाएगी, मुझे जाना होगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ। उसे मैं बचाऊंगा। मुझे ठंड लग रही है भैया, आ जाओ। निको मैं आ गया। नियंदा सॉरी आने में थोड़ी देर हो गई, पर अब चलो यहाँ से। मेरे भैया कहाँ? मैंने उनकी आवाज सुनी थी, वो मुझे यहाँ बचाने आ रहे हैं ना? दरअसल उसे थोड़ी चोट लग गई है, इसीलिए मैंने उसे घर जाने के लिए कहा है और मैंने उसे वादा किया है कि मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। मेरे भैया को चोट लग गई? घबराओ मत, मामूली सी चोट लगी है। तो अब चले। हाय कौन? मैं यहाँ ऊपर हूँ। शुक्र है तुम ठीक हो। ये फिर से मेरे से पहले पहुँच गया। अब करेंगी। ये तुमने क्या किया? इस पत्थर को बनने में 5,000 साल लगे हैं और इन पत्थरों की हिफाजत करना हम सब का फर्ज है। 5,000 साल? लगता है ये जरूरत से ज्यादा जानता है। कौन? तुमने जो मदद की उसके लिए शुक्रिया। अब मैं घर जाके बड़े भैया से बत्ती हो जाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। मैं खुद आया था, खुद ही चला जाऊंगा। मुझे तुम्हारी मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जब भी मदद की जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। चलो मीको। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। पिदोरी तुम नियॉन और कौन को बाहर जाने का सही रास्ता दिखा देना, ठीक है? जाते ही बड़े भैया से बत्ती कर लो। बाय बाय। बहुत बहुत शुक्रिया नकापोश नियांडो। मेरे बड़े भैया कितने अच्छे हैं। मीको तुम सही सलामत घर आ गई। बड़े भैया आपको कैसे पता चला कि मैं जंगल में खो गई थी? दरअसल कोई मुझे बता गया था, लेकिन बताने वाला कौन था मुझे याद नहीं। आपको चोट भी लगी ना? दर्द हो रहा है। मैंने आपसे जो भी कहा था उसके लिए मुझे माफ कर दो भैया। मीको मुझे भी माफ कर दो। सर आप पका रहे हैं या जला रहे हैं? लो बन गया, खा लो। ये पका हुआ है? नियॉन सर, आपकी प्रेम दीवानी कुछ भी खा सकती है। दुआ कीजिए कि बच जाए। बाय बाय। भैया आप अपना लंच बॉक्स भूल गए। भैया आओ मेरे भुलक कर। भैया मीको अपने भाई को दुनिया में सबसे ज्यादा चाहती है,
भले ही वो बुद्धू है, स्मार्ट नहीं है, कभी कभी वो लड़ते हैं पर फिर से दोस्त बन जाते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए हमारा अगला मजेदार एपिसोड देखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।